जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप सभी गर्ल्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्या है जो आप सभी एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? NSS के कैंप है, इसलिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। अच्छा, NSS, क्या मुझे आप बताना चाहेंगे कि NSS क्या मतलब है? What is NSS? राष्ट्रीय सेवा योजना। अच्छा, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के मतलब तहत आप लोग क्या चीज़ें करते हैं? आपने कैंप के माध्यम से क्या क्या सीखा? हमने कैंप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे मार्शल आर्ट्स, बहुत सारे अभियान चालू किए थे हमारे मैम ने, रक्तदान, ब्लड डोनेशन और वोटर आईडी के ऊपर निकाला था, मतदाता के ऊपर, और वेस्ट मटेरियल को कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये सारी बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया मार्शल आर्ट, क्या मैं जान सकता हूँ ये मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट है, सॉरी, आप मुझे बताना चाहेंगे कि ये मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट अपने आप को सुरक्षित रखने की एक ऐसी कला है जिसको हम सीखकर अपनी सुरक्षा रख कर सकते हैं। तो आपने मार्शल आर्ट के थ्रू क्या सीखा? मार्शल आर्ट के थ्रू हमने बहुत सारी गतिविधियाँ सीखी और क्रियाएँ सीखी जिनसे हम अपनी सुरक्षा आराम से कर सकते हैं। इसमें कितने प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया? इसमें कम से कम 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और आपको लगता है कि सभी ने मार्शल आर्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से सिखाया? हाँ, हम ये मानते हैं कि मार्शल आर्ट उन्होंने सिखाया और हमने बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट को सीखा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस वक्त आप KR गर्ल्स में खड़ी हैं और ये गर्ल्स जो यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुई हैं, और मुझे जानकारी भी मिली कि यहाँ पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हो रही थी, तो आप मुझे बताएंगे कि उसके द्वारा आपने क्या कुछ सीखा? यहाँ पे हमने सफाई करना सीखा, खाना बनाना सीखा और यहाँ पे हमने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, और हमने यहाँ पे डांस सीखा और गाना सीखा। बहुत सी सुविधाएँ हैं जो हमने यहाँ पे सीखी। NSS के माध्यम से आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हो अपने मित्रों को? NSS के माध्यम से हम सीख देना चाहते हैं अपने मित्रों को कि NSS एक अच्छी कला है, इसमें जो नहीं ले रहा वो प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग ले, और यहाँ पे अच्छी अच्छी सुविधाएं वगैरह सिखाई जाती हैं, तो प्लीज़ NSS में भाग ले। आपके कैप के ऊपर लिखा हुआ आओ चले करें मतदान, क्या मैं जान सकता हूँ इसका क्या मतलब है? सर, इसका ये मतलब है आओ चले करें मतदान, यानी बहुत से लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो हमने ये कैंप अटेंड किया और इसमें हमने लोगों को मतदान के ऊपर जागरूक किया, रैली निकाली है हमारे कॉलेज से जिससे लोग मतदान के लिए जागरूक हो और 11 फरवरी को वोट दें। इसलिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि 11 फरवरी को वोट देने जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।